Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dev. This is my YouTube channel. द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारी स्टूडेंट्स का ये कमेंट था कि भैया एक बार आप ये बता दो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की जो एग्जाम लगेगी उसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है, किस तरीके से हमको पेपर को सॉल्व करना है और किस तरीके से जो हम अच्छे नंबर लाकर एम्स में अच्छी कॉलेजेस के अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं। तो प्लीज़ ये 5 मिनट की वीडियो रहेगी, कंप्लीट आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो जो भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आप लोगों का सिलेबस रहेगा। इसके साथ में 10 क्वेश्चन आप लोगों के जीके के भी रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों का एक सबसे बड़ी आप लोगों की दिक्कत है कि भैया जीके आएगी और जीके हम पे बिल्कुल भी नहीं आती। हमें बायोलॉजी के स्टूडेंट और हम पे बिल्कुल भी जीके नहीं आती है। तो इस जीके का अभी आप छोड़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 30-30 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, ठीक है। अब इन 30-30 क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर आप लोगों के जो 30 क्वेश्चन आएंगे उनमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आप लोगों के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि फॉर्मूला को ही आप लोगों के क्वेश्चन के रूप में बताया जाएगा या आप लोगों से उस फॉर्मूला को क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे, 2 या 4 आप लोग न्यूमेरिकल मान सकते हैं जो न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप लोगों के फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, थ्योरी से आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे। तो फिजिक्स में अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। हमने भी एग्जाम दी थी बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस, बीएससी नर्सिंग के हमने एग्जाम दी थी, अच्छे नंबर भी हमने गेन करे थे और वो कैसे करे थे इसलिए मैं आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 4 न्यूमेरिकल अगर मैं फिजिक्स के अंदर मान रहा हूँ तो 26 क्वेश्चन आप लोगों के जो है फिजिक्स के अंदर रहेंगे, जिनमें से अगर मैं यहाँ पर ज़्यादातर बात करूँ तो थ्योरी से आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो लगभग 15 क्वेश्चन मैं थ्योरी से मान रहा हूँ, 15 क्वेश्चन मैं थ्योरी से मान रहा हूँ, बाकी आप लोगों के 10 से 11 क्वेश्चन जो है आप लोगों के वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, फॉर्मूला आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, 4 न्यूमेरिकल रहेंगे जो कि आप लोगों के फॉर्मूला अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वो आप जरूर लें और जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि उनसे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एम्स बीएससी नर्सिंग में देखो, सबसे पहले तो आप लोगों का जो रहेगा वो 65 प्लस नंबर लाने का आप लोगों को जो है टारगेट रहेगा और वो आप अच्छे से ला सकते हैं, इजीली आप ला सकते हैं। कैसे लाएंगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले ये सब नंबर लाने के लिए हमने एम्स के लिए अभी एक क्रैश कोर्स चालू करा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्रैश कोर्स है जिसमें आप जो है Dev30 करके मेरा कूपन कोड है ये अगर आप डालेंगे, जय नर्सिंग अकेडमी जो आप लोगों का ऐप है उसको डाउनलोड करें, एम्स का हमारा जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा जो है क्रैश कोर्स अभी हमने लॉन्च करा है, इसको अगर आप लेते हैं पढ़ते हैं तो 65 आप लोगों के नंबर, इससे कम नंबर आप लोगों के आएंगे नहीं। अगर आप उस बैच से जुड़ जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, हम जो उस बैच के अंदर बता रहे हैं उसके अंदर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं फिजिक्स इतनी पढ़नी है, केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, बायोलॉजी में ये पढ़ना है, और ये नहीं है कि हम आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलेंगे, नहीं, जो हम आप लोगों की क्लासेज लेंगे, जो आप लोगों का सिलेबस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों से जो है उसके अंदर आप लोगों का बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से स्मार्ट स्टडी करेंगे, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे उस 1 महीने के अंदर जो हमारा क्रैश कोर्स है। तो Dev30 अगर आप कूपन कोड करके उस ऐप को मतलब जो क्रैश कोर्स है उसको अगर आप परचेज करते हैं तो 10% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, और मैं कह रहा हूँ इस क्रैश कोर्स को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो 65 प्लस ही नंबर आएंगे, इससे नीचे नंबर आप लोगों के नहीं आएंगे, तो प्लीज़ आप करें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसको लाने के लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अपनी, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, क्योंकि आप सभी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी आप लोगों की टॉप पे रहती है, तो बायोलॉजी के अंदर अगर मैं आप लोगों के 30 में से 25 क्वेश्चन मान रहा हूँ या 25 नंबर आप लोगों के मैं मान रहा हूँ बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री भी आप लोगों की ठीक ठाक रहती है तो केमिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों के मान रहा हूँ यहाँ पर लगभग 20 नंबर मैं आप लोगों के खींच के मान रहा हूँ, ठीक है। कितने हो गए, ये हो गए आप लोगों के 45 नंबर, और फिजिक्स के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया तो फिजिक्स के अंदर भी मैं आप लोगों के 20 नंबर मान रहा हूँ, तो कितने आप हो गए आपके 65 प्लस नंबर, तो आप लोगों के ये हो गए जो कि आप मोटा मोटा आप लोगों का अंदाज़ा लगा रहे हैं, जो कि आप क्रैश कोर्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो इससे अच्छे नंबर आप लोगों के बनेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने 10 नंबर उड़ा दिए डायरेक्ट, तो 10 नंबर में से 5 नंबर और मैं अगर बढ़ा लूँ तो 70 नंबर आप लोगों के हो रहे हैं, और 70 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप लोगों को टॉप एम्स की कॉलेज मिल रही है,
लेकिन आप लोगों के पिछली साल की अगर मैं बात करूं तो 45 नंबर पर भी एम्स की कॉलेज मिल गई थी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एसटी एससी जो आप लोगों की कैटेगरी रहती है एसटी एससी, उसके अंदर तो 40 नंबर वालों को भी एम्स के अंदर कॉलेज मिली थी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करो। जितनी भी मेरी प्यारी बहना है, अगर आपको टेंशन हो रही है कि हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे करना है क्या करना है, तो प्लीज़ आप एक बार ये जो आप लोगों का क्रैश कोर्स है इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। जैसे आप ज्वाइन करेंगे सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूंगा, और मैं आप लोगों को ऐप के अंदर भी वहां पर सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। पिछले 2 साल से मैं इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा हूँ स्टूडेंट की, जहाँ तक कि मैं काउंसलिंग भी मैं करता हूँ खुद स्टूडेंट की, अच्छे नंबर दिलवाता हूँ, काउंसलिंग करवाता हूँ और कॉलेज भी दिलवाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की हेल्प होती रहेगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पे अगर आप ट्रस्ट बना के रखेंगे तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हम करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो आपको जो भी हम बताएंगे सारी चीज़ें गलत लगेगी और जो भी है आप समझ सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोगों की जो भी रहेगा एम्स का मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। सिलेबस मैंने बता दिया क्या क्या रहेगा। जीके को हमने बिल्कुल हटा दिया, लेकिन जीके में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि आप क्या करना है वो आप लोगों के एग्जाम के टाइम पे मैं ऐप में आप लोगों को इस कोर्स के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरीके से अच्छे नंबर भी ला सकते हैं थोड़े से तुक्के मार कर भी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऐप के अंदर बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लेना, Dev30 मेरा कूपन कोड है डाल लेना और 10% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँगा इस कोर्स के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।